नमस्कार, इस वीडियो में हम पल्मोनरी इसिनोफिलिया की होम्योपैथिक दवा की चर्चा करेंगे, तो आइए समझते। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे अनुरोध है कि अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और बेल बटन को जरूर दबा दें ताकि मेरा हर वीडियो आप तक पहुंच सके। खून में इसिनोफिल की संख्या बढ़ जाने को इसिनोफिलिया कहते हैं। इस रोग के अनेक कारण हो सकते हैं, जैसे दमा, स्किन की कोई समस्या, एलर्जी, बुखार, ट्रॉपिकल इसिनोफिलिया इत्यादि। कारण के विषय में अधिक चर्चा ना करते हुए मैं डायरेक्ट होम्योपैथिक दवा की चर्चा करता हूँ। लक्षण को एक बार ध्यान से देखें। बलगम मुश्किल से निकलता हो, विरोध करने से गुस्सा आए, साथ में थायराइड की कोई समस्या हो तो थायरेडिनम 200 पोटेंसी या 1 एम्पावर में लेने से बहुत अधिक लाभ मिल जाता है। अगर ऐसा लक्षण हो तो आप हफ्ते में थायरोडिनम 200 पोटेंसी की 2 बूंद जीप पे टपकाएं या फिर 1 एम पोटेंसी की 15 दिन में सिर्फ 1 बार 2 बूंद जीप पे टपकाएं, ऐसे समस्या में बहुत अधिक लाभ मिल जाता है। रोग के कारण दम सा घुटे, सांस लेने में परेशानी हो, गले के चारों ओर जरा सा भी दबाव सहन ना हो, ठंडा कोई भी पदार्थ, सिरका या कोई खट्टी चीज खाने से और सोने के बाद रोग में वृद्धि होती हो तो ऐसे में लेकेसिस 30 पोटेंसी दिन में 3 बार सुबह दोपहर शाम 2 बूंद जीप पर टपकाने से लाभ जरूर मिलता है। जब रोगी को साथ में पाचन की गड़बड़ी हो तब आप लेकेसिस 30 पोटेंसी के साथ हिस्टामिन 200 पोटेंसी या 1 एम पोटेंसी का सेवन कराएं। आप 200 पोटेंसी का सेवन कराएं हफ्ते में सिर्फ 1 बार 2 बूंद जीप पे टपकाया करें, या अगर 1 एम में देना है तो आप 15 दिन में सिर्फ 1 बार इसका सेवन कराएं। ठंड लगने से बरसात या नम मौसम में सांस लेने में मुश्किल हो, पानी में उगने वाली चीज़ें जैसे चावल, केला या सिंघारा आदि खाने से रोग बढ़ जाता हो तो ऐसे में नैट्रम सल्फ 6 या 30 पोटेंसी देने से लाभ मिल जाता है। अगर ऐसा समस्या हो कि ठंड लगने से या बरसात मौसम में नमी से रोग बढ़ जाए, बरसाती मौसम में उगने वाले जैसे चावल खाने से रोग बढ़ जाए, केला खाने से रोग बढ़ जाए, तो ऐसे में आप नैट्रम सल्फ 6x पोटेंसी की 2 बूंद दिन में 3 बार जीप पे टपकाएं या आप 30 पोटेंसी में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जरूर लाभ मिलेगा। सांस लेते समय कष्ट के साथ साएं साएं की आवाज़ आए, ढीला सा बलगम निकले, जरा सी भी ठंड लगने से रोग बढ़ जाए, रोगी सर्दी या टच स्पर्श करने की प्रति बहुत संवेदनशील हो तो ऐसे रोगी को हीपर सल्फ 30 पोटेंसी या 6 पोटेंसी में दिन में 3 बार जीप पर टपकाने से ऐसा समस्या में बहुत अधिक लाभ मिल जाता है, रोगी ठीक हो जाता है। खांसी आने से पहले सांस लेने में मुश्किल हो, गले में सुरसुराहट, छाती के नीचे वाले हिस्से में सुई चुभने जैसा दर्द हो, ठंडा पानी पीने की इच्छा बहुत करे, खांसी और चलने में रोग बढ़ जाता हो, लेटने और गर्म पदार्थ से रोग घट जाता हो, अगर ऐसा लक्षण हो तो कैसिया सफोरा मदर टिंचर या 30 पोटेंसी में इस्तेमाल करने में दिन में 3 बार इस्तेमाल करने से ऐसा समस्या पूरी तरह से ठीक हो जाता है। कुछ और भी मेडिसिन है जैसे आर्सेनिक एल्बम, बिसिलिनम, इपिकॉक, मेडोराइनम, फॉस्फोरस, साइलिसिया, सिफिलिनम इत्यादि भी है जिनका लक्षणानुसार उपयोग करने से रोग बहुत जल्दी ठीक हो जाता है। इसिनोफिल जो रेट बढ़ा हुआ है ब्लड में, इसिनोफिल जो बढ़ा हुआ है वो नॉर्मल आ जाता है। एक बात ध्यान देने की बात है कि दूध में थायराइड ग्रंथि का सिक्रेशन होता है, तो ऐसा अगर समस्या है तो आप दूध के का बिल्कुल परहेज करें। दूध वाले प्रोडक्ट जैसे कोई भी मिठाई हो, दूध का प्रोडक्ट हो या दूध ही हो, चाय हो इत्यादि, सबका बिल्कुल सेवन बंद कर दें, जरूर लाभ मिल जाएगा। बाकी जो लक्षण मिलता है आप उस अनुसार भी दवा का अपना चयन कर सकते हैं, दवा को ले सकते हैं। जो इसिनोफिल ब्लड में बढ़ा हुआ है वो नॉर्मल हो जाएगा, और ठंडा खाने से अगर रोग बढ़ जाता है, जैसे कोई कोई मरीज ऐसा होता है कि तुरंत ठंडा लगा, आइसक्रीम खा लिया या रात में कोई चावल खा लिया या ऐसा कोई भी चीज़ खा लिया, केला खा लिया, तो उसे तुरंत सर्दी लग जाती है, तुरंत बुखार हो जाता है, जुकाम हो जाता है। ऐसे लक्षण में भी आप सिम्टम मिलने पर दवा का जरूर प्रयोग करें, लाभ जरूर मिलेगा। आशा है आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर समझने में परेशानी आ रही हो या आप ट्रीटमेंट करवाना चाहते हैं
या आप अपने एड्रेस पे दवा मंगवाना चाहते हैं तो मेरे व्हाट्सएप नंबर 9006242658 पर भी आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। दवा आपको किसी भी होम्योपैथिक शॉप पर मिल जाएगा। दो दवा लेने के बीच हमेशा 15 मिनट का गैप दें। खाना खाने के आधे घंटे पहले या आधे घंटे बाद ही दवा लें। कच्चा प्याज और खट्टी चीज़ों का सेवन ना करें। WSI, रेक्वेग, SBL, एडिल किसी भी कंपनी की दवा आप ले सकते हैं, सभी अच्छी है। धन्यवाद।